आज तक बोला गया इसलिए संघ बिल्डिंग है, लेकिन संघ बिल्डिंग के नाम से कहीं भी सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। वो एमडी देवरस नाम के दो आदमी के प्लाट है, उनकी वो बिल्डिंग है। नंबर एक। नंबर दो, हेड़गेवार स्मृति मंदिर, हेड़गेवार स्मारक मंदिर जो रजिस्टर्ड है रेशिमबाग में, आश्चर्य की बात होगी कि उस समिति का अध्यक्ष ये चुना नहीं जाता, रजिस्टर होते हुए भी चुना नहीं जाता। उनके नियमावली में, कॉन्स्टिट्यूशन में, घटना में ये लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सरसंघ चालक रहेगा वही उस समिति का अध्यक्ष रहेगा। जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संस्था जिसके सरसंघ चालक मोहन जी भागवत है, वो संस्था नागपुर के चैरिटी कमिश्नर में क्या भारत के कहीं भी सरकारी संस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब अपंजीकृत है। संघ बिल्डिंग भी अपंजीकृत है, फर्जी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संस्था अनरजिस्टर्ड है, फर्जी है। उसके सरसंघ चालक मोहन जी भागवत है, वो भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कहीं भी उनका उल्लेख नहीं है, इसका मतलब वो भी फर्जी है। और ऐसे फर्जी संस्था को सरसंघ चालक मोहन जी भागवत को जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से ₹600+ दी गई। संघ बिल्डिंग जो महल पे है उसको CISF सुरक्षा दी है। आज जैसा हमने अखबार में पढ़ा कि ये दोनों जगह सुरक्षा बढ़ाई गई, तभी हमने रात को नागपुर पुलिस कमिश्नर अभिजीत कुमार को रात को हमने फोन करके पूछा कि हमको मिलना है। उन्होंने आज 12:30 का समय दिया था, नागपुर के जिमखाना में बैठक बुलाई गई थी, वहां हमने शिष्टमंडल दिया सवेरे 12:30 और उनको ये सारी चीजें अवगत कराया। ये सारी चीजें अवगत कराने के बाद उनका एक स्टेटमेंट आया कि हम पुलिस वाले को सबकी सुरक्षा करने का अधिकार है, हम चाहे जिसको भी सुविधा देना है सुरक्षा देना है हम उनको सुरक्षा दे सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, मतलब पुलिस का अधिकार है। यहां तक कि उन्होंने ये बोला है हमारे भारत और प्रदेश के अध्यक्ष कपूर पाचा भी हम साथ में थे, 5-6 जने, यहां तक बोला उन्होंने कि हम चोरों को भी सुरक्षा दे सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। इसका सीधा सीधा मतलब है, हमारा कहने का मतलब ये था, हमने उनको ये बात से अवगत कराया कि नागपुर शहर में ऐसी कई संस्थाएं है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मंजूर है, लेकिन उनकी जो गतिविधियां है अगर वो समाज विघातक नहीं है तो उनको तुम सुरक्षा दे सकते हो। लेकिन ये दोनों संस्था जो है, संघ बिल्डिंग, हेड़गेवार स्मारक स्मृति समिति का नाम स्मृति मंदिर, इनकी जो गतिविधियां चल रही है ये गतिविधियां देश को संविधान को मानने वाले में से नहीं होते हुए भी उनको सुरक्षा देना ये गैरकानूनन है। उनको दी हुई जनरल सुरक्षा, CISF सुरक्षा और ऊपर से आज एक्स्ट्रा सुरक्षा ये देना भी पुलिस कमिश्नर के घर की खेती नहीं है। पुलिस विभाग ये तुम्हारे हमारे जनता के पैसे के भरोसे चलता है, हमने उनको अवगत कराया कि जनता के पैसे के भरोसे ये सुरक्षा दी जाती है, ये गैर कानून है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं माना, हम सीधा सीधा मैंने आपको बताया चोरों को भी हम सुरक्षा दे सकते हैं। हमको आज उनका विरोध करना था, जो हमको निवेदन देना था निवेदन दे दिया। उसके बाद हमने हमारे कार्यकारिणी की मीटिंग लेके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रजिस्टर्ड जिसका मैं जनार्दन मुन अध्यक्ष हूँ, हमने उसके बाद कार्यकारिणी की मीटिंग की और हमने आज ये निर्णय किया कि क्यों ना ये अमितेश कुमार की बात छोड़ो, अभी वो फर्जी RSS वो संघ मीटिंग को दी गई CISF सुरक्षा और मोहन भागवत को दी गई ZPlus सुरक्षा, ये दोनों निकालकर और जो हथियार
आप सबको मालूम होगा नागपुर के हो, संघ बिल्डिंग क्या है, संघ बिल्डिंग में एक मोहन भागवत रहते हैं भाई, और वहाँ अवध हथियार रखे हैं, उसकी सुरक्षा करने के लिए सीआईएसएफ की सुरक्षा, और ऊपर से आज भी अमिनेश कुमार ने ऊपर से और ज्यादा की सुरक्षा, जनता के पैसा का यह अपव्यय है। और इसलिए हमने आज एक निर्णय लिया हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने मिलकर कि क्यों न अभी मोहन भागवत की जेड प्लस सुरक्षा, संगम बिल्डिंग की सीआईएसएफ सुरक्षा और बढ़ाई गई है सुरक्षा, ये पूरी बंद करके ये फर्जी आरएसएस पर बंदी लाया जाए। गृह मंत्रालय को अभी कुछ दिन के बाद 2020 के बाद ही हमारा एक शिष्टमंडल गृह मंत्रालय गृह मंत्री दिलीप सिंह पाटिल को मिलने जा रहा है, वैसा निवेदन आपने भेज दिया, लेकिन हम खुद मिलने जा रहे हैं और यही सब जनता को मालूम हो, इसलिए आपके द्वारा हम ये ऐलान आज कर रहे हैं कि वो फर्जी आरएसएस पर बंदी लाया जाए, ये हमने रजिस्टर्ड आने जितने तुरंत किया है।